नरसिंहपुर जिले में लोकायुक्त टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम गोटेगांव में पदस्थ रेंजर और डिप्टी रेंजर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार फरियादी योगेंद्र पटेल के सतकटा लकड़ी से भरे हुए ट्रक पर वन विभाग गोटेगांव की एक टीम ने कार्यवाही की थी और उस कार्रवाई में ट्रक को जब्त कर लिया गया था। वहीं ट्रक को छोड़ने और कम जुर्माना लगाने के एवज में रेंजर और डिप्टी रेंजर ने फरियादी से पैसों की मांग की थी, जिस पर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों अधिकारियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई करने के लिए लोकायुक्त की टीम इन दोनों को गोटेगांव के रेस्ट हाउस में ले गए। क्या क्या नाम है? हमारे फरियादी है योगेंद्र सिंह पटेल, ये नरसिंहपुर निवासी है। इनके द्वारा टिम्बर मर्चेंट का काम किया जाता है और लकड़ी परिवहन, सतकटा वगैरह लकड़ी का परिवहन का काम किया जाता है। अभी कुछ समय पूर्व गोटेगांव के पास यहाँ गोटेगांव में पदस्थ है रेंजर दिनेश मालवी और डिप्टी रेंजर श्री कमलेश चौहान, इनके द्वारा इनका एक सतकटा का ट्रक पकड़ा गया था और कुछ केस बनाया था। तो इनके ये जब यहाँ पदस्थ रेंजर और डिप्टी रेंजर से मिले तो उनके द्वारा गाड़ी छोड़ने और केस में जुर्माना कम लगाने के एवज में 50,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने डिप्टी रेंजर श्री कमलेश चौहान को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दोनों रेंजर और डिप्टी रेंजर के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।